आज जैसे ही सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने सवाल खड़ा किया, आखिर विपक्ष चाहता क्या है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने इसका सीधा और साफ जवाब दिया। चिंताजनक इस कारण है कि अब तो ये भी नहीं समझ आता कि सचमुच विपक्ष चाहता क्या है। 8 दिन निकल गए हैं राज्यसभा के, 7 दिन निकल गए हैं लोकसभा के, काम नहीं हुआ कोई। ये एक ऐसी स्थिति हमारे लिए बन गई है जो एक चिंता का विषय है। कि ये गृह मंत्री जिनके सीधे सीधे नीचे आती है दिल्ली की कानून व्यवस्था, अभी तक तो हम इनका करप्शन पर इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब पुलिस अत्याचारों के सीधे जिम्मेदार होने के नाते हम इस गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। दिल्ली पुलिस और सरकार के दावों को झुठलाने के लिए पूर्व बीजेपी अध्यक्ष वेंकैया नायडू सबूत लेकर आए। उन्होंने तस्वीरों में दिखाया कितनी बेरहमी से बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया। वेंकैया ने भी कहा गृह मंत्री चिदंबरम इस्तीफा दें। बीजेपी वांट द होम मिनिस्टर टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, फेलिंग सो द प्राइम मिनिस्टर शुड सैक द होम मिनिस्टर, दैट इज द डिमांड ऑफ द बीजेपी। इधर सरकार के बचाव में आरजेडी आगे आई। आरजेडी सांसद राजनीति प्रसाद ने कहा बीजेपी साजिश रच रही है। सुषमा ने कहा गृह मंत्री खुद नहीं हटेंगे, इन्हें हटाना होगा। चला तो डिस्कशन करना चाहिए, वो पुलिस वाले को उस पे कुछ करना चाहिए, हाउस को एडजर्न करने से क्या हो जाएगा। इसलिए हम ये साजिश के तहत में इन लोगों ने अपना काम शुरू किया है। हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि उनको बर्खास्त करें।